इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल लेंगे सी लैंग्वेज में। इससे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है और हम इससे क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एक स्ट्रक्चर बना के। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने क्या करना है कि एक स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बनाना है और स्टूडेंट का जो डाटा है वो हमने उस स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। यानी कि जो स्टूडेंट का डाटा हमने स्ट्रक्चर में स्टोर करना है वो डाटा कौन कौन सा डाटा है, उसमें आ जाता है स्टूडेंट का नेम। हमने क्या करना है कि स्ट्रक्चर में स्टूडेंट का नेम स्टोर करना होगा, स्टूडेंट की एज स्टोर करनी होगी, उसकी ब्रांच यानी उसका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से है वो स्टोर करना होगा, और हमने उस स्टूडेंट की जेंडर, ये कि वो मेल है या फीमेल है, ये हमने उस स्ट्रक्चर में ऐड करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये स्टूडेंट की है और ये तमाम हम स्टोर करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साथ साथ यहाँ पे हम कोड लिखते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे। स्टार्ट में हमने कुछ हेडर फाइल्स ऐड कर ली हैं और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग डॉट एच की एक हेडर फाइल इस्तेमाल की है, क्योंकि आगे चल के हम एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका होता है, आप लिखते हैं struct जो कि कीवर्ड है, और फिर आप क्या करते हैं उस स्ट्रक्चर का एक नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का नाम लिख लेते हैं struct student, और उसके बाद हम यहाँ पे एक इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि हमारे उस स्ट्रक्चर के अंदर जो कि हमने स्टूडेंट का बनाया है उसके अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप होंगी। तो उसके अंदर जो पहली डेटा टाइप यानी जो पहला डेटा हमने स्टोर करना है, हमने स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, तो इसके अंदर हम एक डेटा टाइप रखेंगे कैरेक्टर का, और उसका नाम हम रख लेते हैं कैरेक्टर अरे रखेंगे, कैरेक्टर अरे, और उसका नाम हमने रख लिया नेम, और उसका साइज हमने रखा है 30, और आखिर में हम डाल देते हैं सेमी कॉलन। उसके बाद जो हमने चीज़ ऐड करनी है इसमें वो एज ऐड करनी है। तो स्टूडेंट की एज ऐड करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट, और उसका नाम रख लेता हूँ मैं एज। उसके बाद अगली नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो हमने स्टूडेंट की ब्रांच स्टोर करनी होगी। तो ब्रांच चूंकि एक स्ट्रिंग होती है, एक सीरीज ऑफ करेक्टर होती है, तो उसके लिए भी हमें अरे चाहिए होगी। तो उसके लिए भी हम ये क्या कर लेते हैं, एक करेक्टर अरे बना लेते हैं, करेक्टर ब्रांच, और उसके बाद हम यहाँ पे उसका साइज यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं 30। अब आप देख रहे हैं कि हम पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन किस तरह कर रहे हैं इस कोडिंग एग्जांपल में। फोर्थ चीज़ जो हमने स्टूडेंट की स्टोर करवानी होगी वो हमने जेंडर स्टोर करवानी होगी, जो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी एम और एफ का करेक्टर स्टोर करना है। तो हमें एक करेक्टर वेरिएबल चाहिए होगा, करेक्टर, और उसका नाम हम रख लेते हैं जेंडर। तो देखिए तमाम डेटा टाइप्स जो हैं वो हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवा दिए। आखिर में आपने सेमी कॉलन ऐड करना है, और ये हमने याद रखना है कि हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है मेन फंक्शन से बाहर। अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में जैसे ही हम आते हैं, अब हमारा टारगेट क्या है कि हम मेन फंक्शन के थ्रू इन तमाम डेटा टाइप्स के अंदर डेटा फिल करेंगे। यानी हम स्टूडेंट का नेम भी एंटर करेंगे, उसकी एज भी एंटर करेंगे, उसकी ब्रांच भी और उसका जेंडर भी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए होगा। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने का क्या तरीका होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक, और उसके बाद हम जो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे जो क्या है स्टूडेंट का, और हम फिर वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखेंगे। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे रख सकते हैं एक्स वाई जी, हम यहाँ पे रख रहे हैं फॉर एग्जांपल S1। तो ये हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल S1 बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के ज़रिए हम अंदर की जो डेटा टाइप्स हैं स्ट्रक्चर की, इनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसकी एज स्टोर करनी है तो आप लिखेंगे S1.age इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो हमने डॉट यूज़ किया है ये क्या है, ये एक एक्सेस ऑपरेटर है, इसके ज़रिए हम इस डेटा टाइप को एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अंदर मैं एक एज स्टोर करवा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 18। इसी तरह इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेस कर सकते हैं इसकी जेंडर को। हम लिखते हैं यहाँ पे S1.gender इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए जब भी हम कोई करेक्टर स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम सिंगल कॉमास यूज़ करते हैं, मेल, और आखिर में सेमी कॉलन।
देखा आपने कि हमने एज और जेंडर स्टूडेंट की स्टोर करवा दी है उस स्ट्रक्चर वेरिएबल में. अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट का अगर नेम स्टोर करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि नेम जो है वो पूरी करेक्टर अरे है, तो हम डायरेक्ट नेम असाइन नहीं कर सकते. उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कहलाता है स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन. स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन जो है ये इस्तेमाल होता है एक स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए किसी भी एक करेक्टर अरे में. अब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग हमारे पास सीरीज ऑफ करेक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है स्टूडेंट का अली, तो यहाँ पे देखें तीन करेक्टर्स हैं, तो अली क्या है, एक स्ट्रिंग है. अब इस स्ट्रिंग को मैंने इस करेक्टर अरे में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करेंगे. उसमें क्या होगा कि जो अली का अली की जो स्ट्रिंग है ये मुकम्मल कॉपी हो जाएगी हमारी इस करेक्टर अरे में. तो स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको अब हम देखते हैं. तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक ब्रैकेट ऐड करनी है, और हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल जो कि हमने बनाया एस वन, इसके ज़रिए हम एक्सेस करेंगे अपनी करेक्टर अरे को. और उसके बाद आपने कॉमा ऐड करना है, और उसके बाद आपने सिंगल कॉमास के साथ वो एक्चुअल स्ट्रिंग लिखनी है जो कि आप इस करेक्टर अरे में कॉपी करना चाहते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा अली, अली क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगा इस मुकम्मल स्ट्रिंग में. इसी तरह अगर आप उसकी ब्रांच वो करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे. और यहाँ पे हम लिखेंगे एस वन डॉट, और ऊपर जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी कैरेक्टर अरे ब्रांच के नाम से, कॉमा, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंगल कॉमास का इस्तेमाल करेंगे. और इन सिंगल कॉमास में मैं क्या करूँगा, उस स्टूडेंट की ब्रांच लिखूँगा. फॉर एग्जांपल वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो कौन सी है, इंजीनियरिंग. बल्कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग ऐड की है, ये याद रहे कि जो सिंगल कॉमास हैं वो करेक्टर के लिए होते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कॉमास का इस्तेमाल करेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में ऐड की थी अली, इसको फिर से मैं ठीक कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं फिर से डबल कॉमास में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम इसको ऐड कर देते हैं. तो आपने देखा कि हमने स्टूडेंट का सारा डाटा, उसकी एज, जेंडर, उसका नेम, उसकी ब्रांच हमने स्टोर करवा दिया है इस स्ट्रक्चर में. अब अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो बहुत आसान है. सिंपल प्रिंट एफ की कमांड से हम स्ट्रक्चर में जितना भी डाटा हमारा स्टोर हुआ है उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट की कमांड इस्तेमाल की है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है तो वो हमने लिखा है यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया परसेंट एस, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो इस वजह से हमने परसेंट एस का इस्तेमाल किया है. और उसके बाद हमने कॉमा लगा के एस वन डॉट नेम, इसके ज़रिए वो एक्सेस कर सकेगा नेम की जो करेक्टर अरे है और उसके अंदर क्या स्टोर हुआ है अली, वो एक्सेस होगा और वो अली प्रिंट हो जाएगा. इसी तरह एज ऑफ स्टूडेंट में हमने परसेंट डी का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इंटीजर था. उसके बाद एस वन डॉट एज से क्या होगा कि एज एक्सेस होगा और एज में मौजूद जो वैल्यू है 18 वो प्रिंट हो जाएगी. इसी तरह ब्रांच ऑफ स्टूडेंट जो है उसके लिए भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने लिखा है एस वन डॉट ब्रांच, और ब्रांच में जो डाटा है जो कि इंजीनियरिंग है वो प्रिंट हो जाएगा. इसी तरह जो जेंडर है जो कि उसकी यहाँ पे हमने डिफाइन की है वो यहाँ पे इस एक्सेस ऑपरेटर एस वन डॉट जेंडर के ज़रिए एक्सेस होगा, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने सेट किया परसेंट सी, और वो भी यहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगा. अब अगर आप इसको जाते हैं, हमने देखें स्टार्ट में स्ट्रक्चर बनाया, मेन फंक्शन बनाया, डाटा फिलअप किया, और आखिर हमने इसे प्रिंट करवा दिया. अब अगर आप जाके इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखिए हमारी आउटपुट स्क्रीन पे स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ आ रहा है, उसकी एज लिखी हुई आ रही है, उसकी ब्रांच लिखी हुई आ रही है, और उसकी जेंडर भी लिखा हुआ आ रहा है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर एक डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं. आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने करेक्टर अरे भी रखी है, इंटीजर भी रखी है, इंटीजर और डिफरेंट और डाटा टाइप्स हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं. तो आज की इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर को डिटेल समझा है एक एग्जाम्पल से.